दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ज्यादातर लोग केवल महाभारत के अंतर्गत आने वाली भगवद गीता या और एकाध तरह की गीताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इनकी कुल संख्या है 58। और ये भी आपसे कहा था कि मैं आपको उन विभिन्न गीताओं के बारे में जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ग्रंथों में पाई जाती हैं और उनके किस तरह के वर्गीकरण हैं। तो उसी जानकारी के साथ मैं आज आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ, उपस्थित हूँ। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ में बना है एक बेल आइकन, उसे दबा लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। तो वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं माइथो टाइम। मैं आपको बताता हूँ वो सब गीताओं के बारे में जिनकी मैं इतने समय से बात कर रहा हूँ। जो हमारे पुराण हैं उनमें कितनी तरह की गीताएं पाई जाती हैं, तो दोस्तों इनकी कुल संख्या है 26। ये है दोस्तों पुराणों में मिलने वाली 26 तरह की गीता। जैसा कि आप देख सकते हैं, भागवत पुराण में ही केवल 12 तरह की गीताओं का उल्लेख है। इनके नाम आप देख सकते हैं, उद्धव, ऐल, कपिल, करुणा, जयंते, भिक्षु, भ्रमर, प्रणय, महिषी, युगल, वेणु और श्रुति गीता। उसके अलावा वराह पुराण में 3, स्कंद पुराण में भी 3 और बाकी के 8 पुराणों में एक एक तरह की गीता का उल्लेख है। तो ये मिलाकर हो गई 26 गीताएं। इसके बाद बारी आती है महाभारत की। महाभारत में जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुख्य रूप से गीता पाई जाती है वो है श्रीमद् भगवद गीता, लेकिन उसके अलावा 17 और तरह की गीताएं हैं जो जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। और ये है उन 18 गीताओं के नाम जो हमें महाभारत में जिनका उल्लेख मिलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंतिम यानी 18वें नंबर पर है श्रीमद् भगवद गीता, और ये वही गीता है जिसका हम और आप पाठ करते हैं और जिसकी इतनी महिमा है, और यही इसी गीता के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। दोस्तों, पुराण और महाभारत के अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, कुछ संहिताएं हैं जिनमें अन्य तरह की गीताओं का उल्लेख मिलता है और इनकी संख्या है 14। आइए देखते हैं अब ये अंतिम सूची। और ये हैं वो 14 तरह की गीताएं जो हमें महाभारत और पुराणों के अलावा दूसरे ग्रंथों में मिलती हैं, जैसे आध्यात्म रामायण है या कुछ संहिताएं हैं या योग वशिष्ठ रामायण है, उनमें भी ये गीताएं मिलती हैं। और कुछ गीताएं स्वतंत्र रूप से भी विद्यमान हैं, जैसे नहुष गीता, पांडव गीता या अष्टावक्र गीता। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर इस तरह 3 हिस्सों में बटी हुई जो ये गीताओं का वर्णन है, इनकी संख्या हो जाती है 58। और अगर आप इन विभिन्न तरह की गीताओं के मूल रूप में टेक्स्ट को, संस्कृत के टेक्स्ट को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये दो वेबसाइट्स हैं। एक का नाम है संस्कृत डॉक्यूमेंट्स .org और ये जो दूसरी वेबसाइट है ये है गीता सुपर साइट। इसे बनाया है IIT कानपुर ने, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ से भी इन गीताओं के विवरण देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवद गीता के अलावा और कई तरह की गीताओं की आज मैंने जानकारी जो दी वो मज़ेदार लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना।